पानी बरसा था, गर्मी शांत हुई थी, लेकिन उससे दुगना गर्मी हो चुकी थी और बहुत ही गर्मी से राहत मिल चुकी थी। और लेकिन यहाँ पर पेड़ पूरा वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, वो भी 12 बजे दिन के 12 बजे, और बहुत ही तेज बारिश हो रही है। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि बारिश कैसे होती है। बहुत खतरनाक आज पहली बार बारिश हो रही है लगभग इस महीने और इस साल की, तो दिखाना चाहते हैं। तो कुछ यहाँ पर देखिए कितना मस्त लग रहा है चारों तरफ, एकदम खतरनाक। लेकिन इतनी मोटी मोटी बूंद और कितना ज़्यादा बारिश हो रही है, मुझे तो लगता है कि वो हो जाएगा और मुझे भी भीगना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर पानी बरस रहा था, वहाँ पर पानी भर चुका है। तो अभी चलते हैं वहाँ पर उसको देखने के लिए, साफ करने के लिए। तो वीडियो में बने रहिए। तो देख सकते हैं इतना पानी मतलब भर चुका है यहाँ पर, देखिए चारों तरफ पानी भर चुका है। ऊपर से वहाँ पर गिर रहा है पानी और यहाँ पर चारों तरफ एकदम मतलब बूढ़ा आ चुका है, एकदम बहुत ही खतरनाक बारिश हुई है। और अभी इसको यहाँ पर पानी नहीं जाएगा ना, तो हमें जाकर उस उधर साफ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पानी गिर रहा है, यहाँ पर गिरा है तो नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जाए नहाए, लेकिन पहला पानी डर लगता है। तो वीडियो में बने रहिए, सब कुछ थोड़ा सा मुँह निकाले। यहाँ पर देखिए एकदम खतरनाक, और यहाँ पर देखिए हाथ में से पानी डर गिरा है, और खतरनाक चीज़ें आपको दिखाएंगे। एकदम बारिश वाला सीन एकदम खतरनाक मतलब दे रहा है यार, ज़्यादा तक हो रही है। लेकिन हम नहाएंगे नहीं, क्योंकि यार भीगने से बुखार का डर रहता है, तो इसलिए हम नहाएंगे नहीं। लेकिन सूरत एक भीग चुका है और यहाँ पर अपनी बाइक घुसने की इसको भूल दे, लेकिन यहाँ पर नहीं भूलेंगे। अगले दिन बारिश होगी तो जरूर भूलेंगे। तो आज ब्लॉग करने स्टार्ट करने का कोई रीज़न नहीं था, लेकिन बारिश में लगी तो मन कर गया। तो आप लोग इसको चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी अभी आपको वीडियो बने रहना। तो यहाँ पर अपने देसी जुगाड़ से मैंने कुर्ता को सुखवाने के लिए रख चुका है, क्योंकि यहाँ पर अभी यहाँ बारिश हो रही है तो बाहर सुखवा नहीं सकते, तो यहाँ पर सूखने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा हवा आती रहती है। वीडियो में बने रहिए, अभी चलते हैं थोड़ा सोने के लिए, क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है तो ठंडा मौसम। इस देखिए चारों तरफ कितना मस्त मौसम लग रहा है, बारिश शांत होने के बाद देखिए चारों तरफ एकदम खतरनाक लग रहा है। और यहाँ पर देखिए पेड़ तो हरे भरे हो चुके हैं और बादल तो एकदम रंगीन हो चुका है चारों तरफ, बहुत ही खतरनाक मौसम लग रहा है। तो मुझे तो बहुत मस्त आ रहा है फील, एकदम दिल गार्डन हो रहा है। और आज जुम्मा है तो टोपी ओपी लगा लिया है बढ़िया सा, उसी कलर टोपी उसी कलर कुर्ता। तो चलते हैं सीधा नमाज पढ़ने के लिए। गाइस पानी बरसा था, गर्मी शांत हुई थी, लेकिन उससे दुगना गर्मी हो चुकी थी, राहत मिल चुकी थी। और लेकिन यहाँ पर पेड़ पूरा देखिए जला दिए हैं, तो इसको नहीं करना चाहिए। और देखिए और थोड़ा ऊपर हरे पत्ती भी है, लेकिन इतना पेड़ जल चुका है नीचे का इसके लिए। और वहाँ पर देखिए इतना ही मस्त हरा भरा चारों तरफ दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर अभी धान के लिए एक छोटी छोटी बेरन बन चुकी है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिख रही है। हम अभी पास में कुछ दिखाएंगे चलकर शाम को, लेकिन उससे पहले देखिए इतना मस्त बन चुका है यहाँ का गाँव का मौसम, और चारों तरफ देख लीजिए। तो अभी हम लाइन पर खड़े हो चुके हैं, चारों तरफ देखिए एकदम बढ़िया सा एकदम मौसम बन चुका है यहाँ पर, चारों तरफ लाइन लेना है। और उसके बाद दिखा देते हैं नहर एकदम सूखा हुआ है, जिसकी यहाँ पर चढ़ान के लिए खराब हो चुकी है। तो नीचे से उतर कर यहाँ पर देखिए दादा उदा एकदम खतरनाक जा रहे हैं, और इस सुरंग से निकल कर यहाँ पर चढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऊपर चढ़ेंगे, अभी यहाँ पर ऊपर चढ़ेंगे। देखिए दिखाते हैं आपको जूम करके, देखिए ऐसे चढ़ाते हैं सभी लोग यहाँ से यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फाटक बनना तो यहाँ पर ख़राब हो चुका है। आने जाने वहाँ पर खेल हो रही थी, तो यहाँ पर खेल अभी हो रही है। और अभी हम चल रहे हैं घर, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा पसीना हो चुका था और हमें जाना है बाजार भी। तो वीडियो में बने रहिए। और यहाँ पर देखिए इतनी मस्त खेती हुई है, तो आपको इसको दिखाना चाहेंगे इतनी मस्त किसकी खेती है, कमेंट चुकी है। और शाम होने के बाद देखिए इतना तगड़ा ही मौसम लग रहा है हमारे गांव का, और देखिए चारों तरफ एकदम खतरनाक मौसम लग रहा है। और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे सामने आपने बेरन दिखाना चाहूँगा, इतनी मस्त लग रही है, हरियाली भारी हुई। और कुछ देखिए तो गाइस बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी ना, तो देखिए यहाँ पर कुछ पानी वगैरह नहीं था, लेकिन पूरी चारों तरफ पानी ही पानी भर चुका है। लेकिन अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, मेरा जो देख रहे टी शर्ट ये भीग चुका है पूरा गर्म से, तो अभी कुछ राहत नहीं है। लेकिन जब बारिश हुई तो राहत हुई थी, तो चलिए अभी भी दिखाते रहते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है मेरे बेरन का एक छोटा सा खेत, और वहाँ पर थोड़ा सा चली का खेत, वहाँ पर है बहुत सा चीज़ है। ऐसे देसी ब्लॉग देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चलिए अभी मिलते हैं यहाँ पर भी थोड़ा सा है, जब बड़ा हो जाएगा तब भी दिखाएंगे। ऐसे ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।